नवसारी जिले में कल से जो वेदर डिपार्टमेंट ने हमें रेड अलर्ट दिया था उस हिसाब से पिछले 24 घंटे में अराउंड 160 mm एवरेज बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा खेरगाम तालुका में 240 mm के आसपास बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से और डांग में जो बारिश होती है उसकी वजह से जो हमारी नदियों में पानी आता है उस हिसाब से जिले में अभी 2 तालुका में 150 के आसपास लोगों को टेम्परेरीली शिफ्ट किया गया है। ये सिर्फ टेम्प्ररी शिफ्टिंग है, जैसे ही बारिश कम हो जाएगी या नदी का बहाव कम हो जाएगा वैसे ही इन लोगों को अपने घर में वो जा सकेंगे। इसमें से मेजर शिफ्टिंग हमारे शेल्टर हाउसेस पे हुआ है जहाँ पे उनके खाने पीने की दवा की सारी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे भी थोड़े समय के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। और अभी डिस्ट्रिक्ट में मेजर 6 रोड जो आरएमबी स्टेट के अंडर आते हैं और पंचायत के अंडर आते हुए 75 रोड्स क्लोज्ड हैं। इन रोड्स पे पूरा कट ऑफ तो नहीं होता है, दूसरे डिस्टेंस से लॉन्ग डिस्टेंस से उसी गांव का हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारी तीनों रिवर्स अंबिकापुर और कावेरी में वाटर लेवल में इंक्रीमेंट देखने को आया है। कावेरी में डेंजर लेवल 19 तक भी गई थी लेकिन जैसे ही सुबह 8 बजे के बाद बारिश कम हुई है इन सब में फ्लो कम है, उस हिसाब से हमारा बचाव और राहत कार्य चल रहा है। कोई टीम बुलाई गई है? हमारे यहाँ पे नवसारी में SDRF हमेशा कृष्णपुर में स्टैंड बाय पे होती है लेकिन अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ही काम चल रहा है, बाकी किसी के असिस्टेंस की अभी ज़रूरत नहीं दिखाई दी। जी आपका नाम? मलंग कोलिया, माजी विपक्ष का नेता है बिलीमारा नगर पालिका के। और ये जो आज पानी की समस्या हुई है वो यहाँ पे जो डैम बनाया गया है उनकी जो दीवार बनाई गई है एक उनकी है और दूसरा अविरत ऊपर से पानी आ रहा है, इसलिए हमारा ये देसरा विभाग का जो एरिया है जहाँ गिरिराज नगर, भाटा रोड, साईनाथ नगर, ये ऐसे जो हमारे स्लम और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं वहीं ये पानी अंदर चला गया है। अभी नगर पालिका और फायर ब्रिगेड और पुलिस की ओर से यहाँ बैरिगेड से ये रोड को हमने बंद कर दिया गया है और अभी ऐसा लगता है कि अगर जो भर्ती आ जाएंगी तो इन परिस्थिति अभी भी बिगड़ सकती है। ये हमारे वार्ड नंबर 13 का विस्तार है। ये विस्तार में हमने जो हमारी सभा होती है उसमें बारंबार रजूआत करी थी कि ऐसा बोलने में आया था कि हमारे विस्तार में कोई पण जो बारिश के अगाऊ कामगिरी प्री मॉनसून की कामगिरी होती है वो कामगिरी नहीं करने में आई है। आप देख सकते हो अखे बड़ोड़ा शहर में थोड़ा ही बारिश गिरा है, बारिश गिरने में कितना सब जगह कोई रास्ता ऐसा बाकी नहीं है। जयरत्न बिल्डिंग है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती है, जो वो बरसाती गटर है देखो आप वहाँ से अंदर से पानी बाहर आ रहा है ना, कोई जाति सफाई नहीं हुई, कामगिरी नहीं करी है। पर जो यहाँ के जो प्रशासन वाले वो ऐसा बोलते हैं कि हमने 100% बड़ोड़ा शहर में सब बहुत अच्छी कामगिरी करी है अने जो कॉन्ट्रैक्टर है सब पैसे लेके चले गए अने लोगों के वेरे के जो पर्से वाके पैसे होते वो लेके जाते हैं ना, कामगिरी नहीं करते, लोगों की ऐसी मुश्किल हो रही है। देखो तुम बड़ोड़ा शहर में अखे बड़ोड़ा शहर में हर जगह पानी भर गया, लोगों मुश्किल है, लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है, लोग बच्चे को स्कूल में से घर ले जाते हैं, कोई सीनियर सिटीजन होता है, यानी सब जगह सबको मुश्किल हो रही है। सुबह से किस तरह की बारिश है? थोड़ी बारिश में ये हाल है तो ज्यादा बारिश होगी तो क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हो। स्कूल की तो परिस्थिति बहुत खराब है, अभी तो हम निकल के आए तो उसे गाड़ी मेरी बंद पड़ गई थी, तो जैनित स्कूल वहाँ से आ रहा था मैं तो वहाँ पे भी बहुत पानी था तो यहाँ से गाड़ी निकलना तो संभव नहीं है। किस तरह की बारिश थी सुबह से? सुबह से तो एकदम बहुत ज्यादा बारिश थी, मतलब बाहर भी कोई ना निकले तो अच्छा ही है।